सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक संबंधों को लेकर आज अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की खंडपीठ आईपीसी की धारा 377 की वैधानिकता पर अपना फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर 27 मार्च 2012 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 जुलाई 2009 को अपने ऐतिहासिक फैसले में आईपीसी की धारा 377 को गैर कानूनी ठहराते हुए रजामंदी से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध को कानूनी आधार पर मान्यता दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आपसी सहमति से दो महिलाएं या दो पुरुषों के बीच बनाए गए शारीरिक संबंध कोई अपराध नहीं है और आईपीसी की धारा 377 व्यक्ति के जीने के अधिकार और समानता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। गैर सरकारी संगठन नाज फाउंडेशन ने साल 2001 में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर धारा 377 को चुनौती दी थी। कानून के मुताबिक धारा 377 के तहत अब प्राकृतिक संबंध बनाए जाने के लिए 10 साल से लेकर नाबालिगों के मामले में उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस मुरलीधर की खंडपीठ ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि संसद से कानून में संशोधन होने तक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा। इस मुद्दे पर देश भर में व्यापक बहस जारी है। एक पक्ष इसे प्रगतिशील सोच मानते हुए समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में है, वहीं समाज का एक बड़ा तबका इसे भारतीय समाज की मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ मानता है। केंद्र सरकार में इसे लेकर असमंजस बना रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसे कानूनी मान्यता देने के पक्ष में है, क्योंकि इसके गैर कानूनी प्रावधानों की वजह से एड्स जैसी बीमारियों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।